हमारे चैनल शुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आज का सेशन शुरू करते हैं। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? कोडा, स्काईफॉल, द पावर ऑफ द डॉग, एनकैंटो। सही आंसर है कोडा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैंपियन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को मिला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिल्म उद्योग, एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1929 में। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है? आंसर है लगान। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? पुष्पा द राइज, शेर शाह, बाहुबली, मिमी। सही आंसर है पुष्पा द राइज। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेर शाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देविका रानी। ये एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रजनीकांत। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा किसे प्रदान किया गया? विल स्मिथ, माइकल डेविड, फ्रांसिस केरे। इसका सही आंसर है विल स्मिथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का पुरस्कार एंड्रयू गारफील्ड को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का पुरस्कार निकोल किडमैन्स को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जेन कैंपियन को दिया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्ष 2019 के लिए 77 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है? आंसर है सैम मेंडिस। ये बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? दामोदर मौजो, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, असगर वजाहत, नीलमणि फुकान। इसका सही आंसर है दामोदर मौजो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकान को दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है साहित्य। ये एसएससी 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। ये एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? आंसर है सिंधी।
एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ये जेपीएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर रामदर्श मिश्र, शरण कुमार लिम्बाले, असगर वजाहत, शरद पगारे। इसका सही जवाब है प्रोफेसर रामदर्श मिश्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया, पुस्तक का नाम सनातन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही को। ये बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने तीसरी सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया था? आंसर है शरण कुमार लिम्बाले। ये आरआरबी एनटीपीसी मेंस लेवल 2 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां व्यास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथ तिवारी, मधु कंकरिया, असगर वजाहत, शरण कुमार लिम्बाले। इसका सही जवाब है असगर वजाहत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 30वां व्यास पुरस्कार 2020 शरद पागरे को उसके उपन्यास पटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आंसर है साहित्य। ये आंध्र प्रदेश पीओ 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आशा परेख, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। इसका सही आंसर है आशा परेख। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को दिया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? आंसर 1969। ये आरआरबी ग्रुप डी 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? आंसर श्रीमती देविका रानी। एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, रामदर्श मिश्र, मधु कंकरिया, नीलमणि फुकान। इसका सही आंसर है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। नेक्स्ट, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? मधु कंकरिया, रीता देवी, अनुजा श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है मधु कंकरिया। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? माइकल सुमार, जेन गुडल, फ्रांसिस केरे, डेनिस पार्नेल सुलिवन। इसका सही आंसर है डेनिस पार्नेल सुलिवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार 2022 विजेता का नाम क्या है? सेहान, कोरुणा तिलक, डेमन गुलगुट, न्यायपल, जोखा अलर्ती। इसका सही आंसर है सेहान, कोरुणा तिलक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेहान कोरुणा तिलक एक श्रीलंकाई लेखक हैं एवं पुरस्कार उसके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट बुक ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? सलमान रश्दी। ये दिल्ली पुलिस 2008 के क्वेश्चन में आया था। नेशनल रिपोर्टिंग में पुलजीतर पुरस्कार 2022 किसने प्राप्त किया? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पुलजीतर पुरस्कार में $15,000 की राशि पुरस्कार के स्वरूप दी जाती है। जनसेवा पुरस्कार के तहत
स्वर्ण पदक दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुलजितर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, ये बीपीएससी 2011 और एसएससी सीपीयूएसआई 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 किसने प्राप्त किया है? गीतांजलि श्री, अर्जुन प्रसाद, डेविड डियोप, डेमन गुलगुट। इसका सही आंसर है गीतांजलि श्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट, गीतांजलि श्री भारत की लेखिका हैं। उनका पुस्तक का नाम रेत समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। इनका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नरेंद्र मोदी को मिले पुरस्कार, चिकित्सा आईजी नोबेल पुरस्कार हास्य विज्ञान पत्रिका द्वारा द लीजन ऑफ मेरिट 2022 अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें ग्रेमी पुरस्कार 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वी आर, कॉल मी ऑफ यू, गेट लॉस्ट, लीव द डोर ओपन। इसका सही आंसर है वी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 64वीं ग्रेमी पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 किससे दिया गया? हर्षली मल्होत्रा, अनिल प्रधान, नितिन गडकरी, रवि कुमार। इसका सही आंसर है हर्षली मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान, अमर मित्र, नितिन गडकरी, सतीश कुमार। इसका सही आंसर है प्रोफेसर नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सिंथिया रोशनबर्ग, चारू मिश्र, किशोर कुमार दास, विवेक लाल। इसका सही आंसर है सिंथिया रोशनबर्ग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शंकुंतला हरक सिंह थियल एस्टेट को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जेक, जेन गुडल, फ्रांसिस केरे, डेनिस सुलेवन। इसका सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, टेम्पलेटन पुरस्कार अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न 2019 नहीं मिला है? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, राजन। इसका सही आंसर है राजन को नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत रत्न पुरस्कार कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान किसे मिला? प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था।